आप सभी प्रिय मित्रों को नमस्ते सभी को राम राम दोस्तों आज मैं आप सभी के सामने उत्तराखंड वाहन चालक भर्ती का जो पेपर है सात जुलाई को हुआ है उसका एनालिसिस लेकर आया हूं आप सभी को पता होगा इसका एनालिसिस हमने करवा दिया है उसमें केवल एक जो क्वेश्चन है उसका आंसर बोर्ड ने कुछ कन्फ्यूजेबल रखा है उसके बारे में भी बात करेंगे और जो डाउटफुल क्वेश्चन है उनके ऊपर ऑब्जेक्शन हम कैसे लगा सकते हैं क्या हमें प्रूफ देना है इसके बारे में भी आपको मैं इस वीडियो के अंत में जरूर बताऊंगा तो सबसे पहले वन बाई वन हम आपको सटा शट फटाफट कम समय में आपको सारे लिए चलते हैं कि कौन से नहीं हैं, उन सभी को भेज तरह तरह रहे हैं जिनमें बिल्कुल भी डाउट नहीं है तो वो भी आप सभी जो ऐसे क्वेश्चन भेजते हैं तो ऐसे इतने ऑब्जेक्शन नहीं होते क्वेश्चन होता है ना तो ये सात जुलाई दो को उत्तराखंड वाहन चालक भर्ती परीक्षा का पेपर हुआ था उसका ड्राइवर का पेपर है पहला प्रश्न में पूछा गया था कि औस्तन किसी व्यक्ति मनुष्य को प्रतिदिन कितनी आवा की आवश्यकता होती है जो सोर्स मिल पा रहे हैं जो गूगल से या जो भी किसी साइंस के जो टीचर हैं व्याख्या लेक्चरार है उनसे पूछते हैं तो वो भी यहां पे कहते हैं कि बारह किलोग्राम ही हो सकता है कम तो नहीं होगा बाकी ऑथेंटिकेट इंफॉर्मेशन अगर हमें कहीं से प्राप्त होती है तो इस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं अदरवाइज हमें ऑब्जेक्शन करने की बिना सबूत की आवश्यकता नहीं है ऑब्जेक्शन मिला तो हम जरूर बताएंगे बाकी जहां तक सुनने में आ रहा है

सुरक्षात्मक सिर के पहनावे का पहना जाना अनिवार्य नहीं है तो आप सभी को पता होगा धारा एक जो उन्तीस है यहाँ पे सुरक्षा फीचर्स के बारे में बताया गया है तो यहाँ पर आप सभी को बताओगे चार साल से ज्यादा के व्यक्ति जो होते हैं उनके लिए हेलमेट जरूरी किया गया है लेकिन जो पगड़ी धारक सिख होते हैं उनको हेलमेट लगाने से छूट दी गई है तो इसमें कोई दो राय नहीं है ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर इसका हो जाएगा पगड़ी धारक जो सिख होते हैं उनके लिए सुरक्षा सिर के पहनावा मतलब हेलमेट जरूरी नहीं है

बैठा कर यानी कैपेसिटी चार पैसेंजर की आप बैठा लेते हैं है ना तो वहां पर दुर्घटना की संभावना रहती है तो संबंधित को तो, तो तो, कोई डाउट नहीं है भारत में रेल कब चली अठारह सौ तिरपन में झंडा मेला किस घटनाक्रम के कारण मनाया जाता है तो गुरु राम राय जो है देहरादून का प्रथम भ्रमण था तो उसके उपलक्ष्य में कोई दिक्कत नहीं है और इसमें पूछा गया है कि कोई भी अगर परमिट होता है जो कि टेम्परेरी और एक स्पेशल परमिट होता है इन दोनों को छोड़कर क्योंकि जो टेम्प्रेरी परमिट होता है वो एक माह से लेकर चार महीने के बीच तक जारी किया जाता है जो स्पेशल परमिट होता है उसको पांच महीने से लेकर बारह महीने तक जारी किया जाता है इसलिए यहां पूछा इन दोनों के अलावा जो परमिट होगा तो वो पांच साल का लिए जारी यहां पर होगा तो इसमें भी कोई डाउट यहां पे नहीं है धारा इक्यासी

रक्षक रहित यानी कि अनगार्डेड प्रश्न बारह आपके सामने है इसमें पूछा है धारा एक सौ चौराबे ई के तहत यानी कि आप अगर आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देते तो जुर्माना कितना होगा तो सभी को पता है दस हजार और छह माह की इसका प्रावधान है ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है धारा सॉरी प्रश्न सिंह तेरह में पूछा है धारा एक सौ चौरान डी हेलमेट का क्वेश्चन है सभी को पता होगा एक हजार का जुर्माना तीन महीने की जेल या तीन महीने तक जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है उसको भी यहां यानी कि कैंसिल किया जा सकता है आप तीन महीने तक लाइसेंस का प्रयोग नहीं कर सकते तो ऑप्शन डी इसमें भी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न चौदह पूछा गया है कि मोटरयान अधिनियम उन्नीस की धारा जो कि बीमा के संबंध में उल्लेख करती है तो बीमा अगर नहीं है तो धारा एक सौ छियान सॉरी एक सौ छियालीस सैंतालीस के तहत अपराध है और उसके तहत तीन महीने के कारावास के साथ दो हजार का जुर्माना दूसरी बार में चार हजार का जुर्माना यहां पर प्रावधान है तो ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा

उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी काली नदी है यहां पर पूछा है कि भाई आपके मतलब की मोटरयानियम दो हजार सत्रह की धारा के अकॉर्डिंग दो पियो से अधिक पहु वाला कोई भी वाहन होगा तो उसके लिए जो त्रिकोण आवश्यकता होती है वो कम से कम एक त्रिकोण होगा और उसको आपको 50 मीटर की दूरी के आसपास आपको उसको रखना पड़ेगा तो इसमें भी कोई डाउट नहीं है ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है काफी अच्छे हैं तो इसमें भी 50 मीटर का जो प्रावधान है ये बिल्कुल ठीक है इसमें भी कोई डाउट नहीं है अब कुछ लड़के इसमें सो बता रहे हैं ये सिंबल है ओवरटेकिंग का है कोई दिक्कत नहीं है डी राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड का सबसे छोटा जिला चंपावत है उत्तराखंड के निम्न में से किस शहर में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी देहरादून ठीक है मोटरयान चालन विम दो सत्रह की धारा बाईस के अकॉर्डिंग कोई भी यहां रोका जा सकता है कहां पर सी सामान्य और सीधी लेन पर रोका जा सकता है बाकी कहीं पर भी रोकना उचित नहीं है ये वाहन अधिनियम जो है धारा उसकी बाइस के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है यहां पे जो है आपको किलों को मिलाना है तो इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा खलंगा का जो किला देहरादून मनीला का किला जो है यहां पे सल्ट में राजबूंगी का जो किला होगा चंपावत में खगमरा का जो किला अल्मोड़ा में ऑप्शन सी हो जाएगा मोटरयान संशोधन अधिनियम दो को राष्ट्रपति ने कब स्वीकृति प्रदान करी लोकसभा में पंद्रह जुलाई पांच अगस्त को संसद में पास हो गया था और नौ अगस्त को राष्ट्रपति ने इसको मंजूरी दे दी थी एक सितंबर को लागू हो गया था सी राइट आंसर है कोई डाउट नहीं है न का यहाँ पे मतलब कि जो क्वेश्चन पूछा गया है के बारे में तो आप बोम्पू का बार बार प्रयोग कर सकते हैं ये गलत हो जाएगा डी राइट आंसर है कोई डाउट नहीं है इसमें बॉम्फू के बारे में आपने मोट जो मोटर वाहन है नियम जो 2017 के हैं उसमें आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं प्रश्न सत्ताइस पेनिशीलन निम्न में से किससे संबंधित है कवक बिल्कुल कोई डाउट नहीं है प्रश्न अठाइस उन्नीस की प्रथम अनुसूची में दिए गए चेतावनी असंकेत ये कौन सा है तो यहां पर एक बैरियर दिख रहा है मतलब आगे अवरोध बैरियर आगे रोध प्रश्न उन्तीस वर्तमान में निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान द्वारा पड़ता है अधिकार नहीं है तो शिक्षा का अधिकार है बिल्कुल धार्मिक आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं विवाह का अधिकार नहीं है विवाह जरूरी नहीं है आपका हो या नहीं हो उपाधियों का उन्मूलन ये भी इसमें जो है अधिकार माना गया है है ना तो ऑप्शन नंबर मतलब किसी भी व्यक्ति को आप उपाधि धारण करने से मना नहीं कर सकते तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी विवाह का अधिकार है ना ये गलत हो जाएगा

तो ये भागीरथी नदी पर किसाऊ जो है पर है सर्वप्रथम तो किस वर्ष भारत में चुनाव में ईवीएम का प्रयोग किया गया था तो केरल के विधानसभा चुनाव थे उन्नीस सौ में हुआ था कोई डाउट नहीं है एक परिवहन यान के चालक को हमेशा निमन में से कौन सा दस्तावेज अपने साथ में रखना चाहिए लाइसेंस आरसी पीयूसी टैक्स परमिट ये सब वहीकल के डॉक्यूमेंट जो होते हैं आपको अपने पास में रखने चाहिए ये सुमेलित करनाताल चोरीवाड़ा ताल रुद्रप्रयाग डोडी ताल, ताल, ताल उत्तरकाशी काक भुसुंडी ताल जो है चमोली में तो सी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न छत्तीस है जिसमें पूछा गया है कि धारा एक सौ चौरानवे के अनुसार सीट बेल्ट अगर आप नहीं लगाते तो कितना जुर्माना है तो एक जाल जुर्माना है कोई दिक्कत इसमें नहीं है प्रश्न सैंतीस है नेक व्यक्ति धारा एक ए है और स्वास्थ्य परीक्षण दो में स्वर्णिम काल के लिए स्कीम एक में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद दो सॉरी दो बी में इसका उल्लेख किया गया है तो आप लोग देख पा रहे हैं इसमें भी जो राइट आंसर होगा डी हो जाएगा देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है तो भागीरथी अलकनंदा कोई डाउट नहीं है परसन सिंह उनचालीस आपके सामने आ चुका है अमिट जो शाही होती है उसमें क्या मिला होता है तो उसमें जो सिल्वर नाइट्रेट है वो मिला होता है अब देखो एक डाउटफुल क्वेश्चन आ गया है निम्नलिखित लिखित तो चिन्ह का क्या अर्थ है पहली बात तो वो ब्लैक एंड व्हाइट क्वेश्चन पेपर क्यों दिया जब सिंबल इसमें है तो इसमें आपको जो है पेपर जो है रंगीन देना चाहिए जिसमें जो ये साइन वगैरह है वो कलरफुल दिखे बच्चों को समझ में आए अब आप सभी को पता होगा कि एक मोर्त की एक बुक है जिसके ऊपर मैं आपको लिए चलता हूं इस बुक में क्या आप लोगों को दिखाया गया है वो सबसे पहले रोड के संकेत आपको दिखा देता हूं ये रोड के संकेत रहे देखो तो इसमें देखो ये तो है आपका जो गाड़ी खड़ी करना मना है नो पार्किंग का है है ना इसका रेड बॉर्डर है और पट्टी भी रेड है बीच में से थोड़ा हल्का सा जो है वो आज ब्लू कलर में है तो उससे क्या है कि वो थोड़ा सा धुंधला दिखाई देगा ठीक है एक रोक समाप्ति चिन्ह रेस्ट्रक्शन एंड का जो चिन्ह है वो देखो ये रहा अब इसमें देखो बॉर्डर इसका कितना पतला है पट्टी कैसी है अब आप चित्र में देखिए ये जो संकेत है वो ब्लैक एंड व्हाइट के हिसाब से कौन से सी मिल रहा है कौन से सी मिल रहा है तो ये मिल रहा है दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नो no पार्किंग वाले से नो no पार्किंग वाले से मिल रहा है लेकिन नो no पार्किंग वाले में हल्का सा बैकग्राउंड अलग होता है ना तो इसमें बैकग्राउंड तो कुछ बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा लेकिन बोर्ड ने जो इसका आंसर माना है वो रोक समाप्ति एंड माना है लेकिन एंड के चिन्ह में आप सभी को पता होगा यहां पे बीच की पट्टी मोटी होगी किनारे पतले होंगे इसके लिए क्वेश्चन जरूर आप लोगों के लिए डाउटफुल क्वेश्चन है और आप इसमें डाउट लगा सकते हैं और डाउट कैसे लगाना है इसके ऊपर भी मैं आपको जल्दी वीडियो दे दूंगा और किस टाइप से इसको आपको डाउट लगाना है आप कैसे वेबसाइट के ऊपर जाके क्या लिखेंगे क्या सबूत पेश करेंगे उसके बारे में भी आपको मैं बता दूंगा तो ये जो बुक है इसको आप इसका रेफरेंस दे सकते हैं आप व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए मैं व्हाट्सअप पे आपको कंप्लीट इसको एक एफ फाइल बना के आपको भेज दूंगा उसको आप अटैच कर सकते हैं और उसके अंदर मैं आपको पूरा पथ बता दूंगा कि आपको कैसे और कहां पर जाकर इस जो क्वेश्चन के ऊपर आपको ऑब्जेक्शन करना है बिल्कुल आप कीजिएगा क्योंकि कंफ्यूज करने वाली चीजें बोर्ड देता है इसमें हमारी बिल्कुल भी गलती नहीं है

तो कोई भी कंडक्टर का लाइसेंस होगा अठारह साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं दिया जा सकता पर्सन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लोगों के सामने कि भी कौन सी खिलाड़ी उत्तराखंड से संबंधित है तो वंदना कटारिया जो है उत्तराखंड की है सूची फर्स्ट और सेकंड को मिलाना है कि स्वर्णिम घंटा किसमें है परीक्षण किसमें है चालक चालकिया किसमें है समुदाय सेवा किसमें तो समुदाय सेवा चार की कै स्वर्णिम घंटा बारह की कै परीक्षण अभिकरण जो है बयालीस की कै और चालन चालक पुनश्चर्या परीक्षण पाठ्यक्रम नौ की कै इस टाइप से आप देख पा रहे हैं तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीन ये शी, शी आंसर हो जाएगा है कि जहां की मोटरयान अधिनियम के के अधीन कोई अपराध अपराध किसी किशोर द्वारा किया जाता है वहां अपराध किए जाने में प्रयुक्त मोटरयान के रजिस्ट्रीकरण निम्न अवधि के लिए रद्द किया जा सकता है तो आपने अगर किसी को गाड़ी दे दी जिसके पास डीएल नहीं है और वो अगर अपराध कर देता है तो फिर आपकी गाड़ी का जो ड्राइव गाड़ी का आरसी है वो यहां पर जो है रद्द की जा सकती है बारह माह के लिए और आप सभी को बताओ बारह महीने नहीं छह महीने के अगर लिए रद्द हो जाती है कोई भी किसी भी गाड़ी की आरसी तो फिर उसको रजिस्ट्रेशन दोबारा से करवाना पड़ता है यह भी नियम आपने पढ़ा होगा मोटर दो हजार सत्रह की धारा तीस के अनुसार किसी भी यान को खींचते समय अधिकतम गति नियम से अधिक नहीं होगी क्या स्पीड होनी चाहिए चौबीस या पच्चीस दोनों ही आंसर सही होते हैं पच्चीस कर दीजिए सड़क पर काम चल रहा हो गाड़ी खराब हो गई है टो करके ले जा रहे हैं जानवर गाड़ी में डाल के ले जा रहे हैं पुलिस और सेना का मार्च आपके चल रहा है तो फिर यहां पे आपको ध्यान देना है तो 24 और 25 इन दोनों में और जो मैंने आपको ये कारण बताए सड़क पर काम टो वाहकल जानवर पुलिस चौकी सेना का मार्च इन सभी कंडीशन में चौबीस या पच्चीस में से जो ऑप्शन दिखे उसको सही करना है चौबीस आए तो चौबीस को आपको प्राथमिकता देनी है हालांकि मोटरवाइकल जो मोटरयान यहां वी नियमन दो हजार सत्रह है इसमें 25 किलोमीटर ही दर्शाया गया है तो ये करेक्ट आंसर है सी कोई डाउट नहीं है मोटरयान अधिनियम उन्नीस के तहत धारा के के मामले संक्षिप्त निपटारे की व्याख्या की गई है तो मामलों को जल्दी निपटाने और संक्षिप्त रूप में निपटाने को लेकर धारा दो सौ आठ में धारा दो सौ सात वाहन जबती है धारा दा, 204 सौ चार प्रयोगशाला परीक्षण है धारा 203 यहां पर आप सभी को पता होगा धारा 203 जो स्वास्थ्य परीक्षण से संबंधित है अब दारू पी के बोतल चूस के गाड़ी चलाते हैं शराब पीकर चलाते हैं तो आपका इलाज करने के लिए धारा दो स्वास्थ्य परीक्षण है

आपातकालीन आप यादों की प्राथमिकता कौन सा क्रम है तो आप सभी को पता होगा एम्बुलेंस है, होती है पुलिस होती है और एक फायर की गाड़ी होती है तो सबसे ज्यादा क्या है अगर कहीं पे आग लगी है तो वहां पे कितने आदमी फंसे हो हो सकते हैं कितना बड़ा नुकसान हो सकता है तो उसके लिए सबसे पहले अग्नि सेवा यानी कि फायर ब्रिगेड को गाड़ी देनी चाहिए कमेंट सेक्शन में बता दीजिए फायर ब्रिगेड के हेल्पलाइन नंबर कितने हैं उसके बाद आपको जो एम्बुलेंस है उसको आपको भेजना चाहिए उसके बाद आपको पुलिस को भेजना चाहिए उसके बाद अगर कोई आपातकालीन कार्य में गाड़ी लगी तो उसको भेजना चाहिए तो सिक्वेंस आपको याद रहे सीक्वेंस आपको मैं यहां पर बता देता हूं पहले अग्निशमन फिर एम्बुलेंस फिर पुलिस पर्सन पचास लास्ट का पर्सन है तो ये जो चिन्ह है देखो प्लस वाला ये तो प्राथमिक उपचार हो गया ये एरो का निशान है तीन लिखा हुआ है मतलब कि दिशा का संकेत करने जा रहे हैं ये आपको एक चौकोर आकृति में दिल्ली दिखाई दे रहा है मतलब कि स्थान पहचान चिन्ह ये भी हो जाएगा और इसमें एरो का निशान भी है किधर जाना है और गांव का नाम भी है दूरी भी है तो मतलब ये गंतव्य चिन्ह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉय सॉरी काफी चार चार ऑप्शन एक जैसे दिखाई दे रहे हैं तो फिर इनको करना काफी मुश्किल होता है तो फिर भी यहां पर आप लोगों ने काफी अच्छा पेपर जो है किया होगा तो इस पेपर के अकॉर्डिंग जो कट ऑफ का आइडिया लग रहा है कट ऑफ कितनी जा सकती है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं

तो इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना पचास क्वेश्चन है ऑब्जेक्शन कैसे लगाना है उसके बारे में मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको अपडेट दे दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहां से ज्वाइन हो जाएगी हो जाएगा और बाकी किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए नीचे दिए गए नंबर संपर्क करें हालांकि मैंने वीडियो को काफी स्पीड से बनाया है क्योंकि ये दोबारा से वीडियो मैंने बनाया पहला वीडियो सोल्यूशन था यहाँ पे ज्यादा सोल्यूशन करने की आवश्यकता नहीं है इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी थोड़ा सा वीडियो बना दिया है अब मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सबूत ये और ये बताऊंगा कि कौन कौन से पे आपको क्वेश्चन है है और कौन कौन से पे डाउट हम फील कर सकते हैं फील उसके ऊपर जुलाई हो चुकी है तो बारह तारीख को मॉर्निंग में आपको दूसरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें पूरा बताऊंगा कैसे रेज करना है तो अभी के लिए इतना ही फिर से मिलते हैं में तब तक धन्यवाद सो मच धन्यवाद